गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 5 का मैथ्स में चैप्टर डिस्कशन 10 में इस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम, इसमें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। दूसरा फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इस तरह से यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यूबॉइड जो होता है उसका आकार कुछ इस तरह से रहेगा, सॉरी क्यूब का और क्यूबॉइड का जो आकार कुछ इस तरह से रहेगा, यानी रेक्टेंगुलर आकार का रहेगा और क्यूब का स्क्वायर का जैसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना 10A में क्वेश्चन का 1 नंबर में इसमें दिया हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड मेड ऑफ द क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इसमें पहले से बता दिया है कि यदि एक साइड जो है उसका 1 सेंटीमीटर होगा, तो आप देख रहे हैं इसका लेंथ जो है आप लोग काम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ। ब्रेथ जो है हम लोग ऐसे मापते हैं, तो ब्रेथ जो है 2, मतलब जो है आपको दिख रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है इसका ब्रेथ हो जाएगा। और एच जो है हाइट, है ना, वह देख रहा है कि एक ही, मतलब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बताया गया है कि एक, मतलब जो है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका जो है इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे ना, तो 4 × 2 × 1 = 8 cm³, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे भी इस क्वेश्चन में इसी तरह से बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो आप लोग इसी तरह से जो है स्क्वायर को काउंट करके इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकाल के फॉर्मूला पर बैठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब है एक्सरसाइज 10B, है ना। 10B में पहला क्वेश्चन जो है वह है आपका योर दिया हुआ, मेजर एंड नोट डाउन द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम, फाइंड देयर द वॉल्यूम इन द क्यूब सेंटीमीटर। फर्स्ट इज योर मैथ्स नोटबुक, सेकेंड इज जेस्चर, उसका हाइट लेंथ ब्रेथ सब जो है मेजर करके उसको जो है वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और जो है पेंसिल बॉक्स जो आपके पास है उसका खुद से ही हाइट वेट सॉरी हाइट लेंथ ब्रेथ निकाल के जो है आपको वॉल्यूम निकालना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 9B का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड एंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेजर, है ना। यहाँ पे क्यूबॉइड का सबका दिया हुआ कि एल 6 मीटर, बी 2 सेंटीमीटर 2 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। We know that the formula of the volume of a cuboid, length into breadth into height. ठीक है, so we easily we get the answers. So you must solve this answer for you. And question number 3 में है, find the volume of the given object. अब यहाँ भी जो है question number 3 बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, आसानी से जो है उस जो है ऑब्जेक्ट का यानी जो वस्तु का पिक्चर दिया हुआ उसका आसानी से जो है आप क्यूबॉइड के अनुसार फॉर्मूला बैठा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द कंप्लीट द टेबल फॉर द क्यूबॉइड। इसमें बहुत ही आसान है, ए नंबर में सबका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर का हम भी समझा लेते हैं। इसमें एल जो है आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाइट दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर और इसकी वॉल्यूम भी जो है दी हुई है कितनी 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया हुआ है? क्यूबिक सेंटीमीटर।
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना। तो बच्चों आपको पता है कि जब वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर 60 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एल इंटू एच करते हैं, है? तो कितना आता है हमारा 10 × 2, है ना, तो आएगा 20। तो टोटल जो है क्यूबिक जो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 / 20, यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यदि अब जो है 10 × 2 × 3 करें, यह कितना आएगा 60। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप एक क्वेश्चन नंबर 4 में यदि लेंथ नहीं दिया हो तो इसी तरह से बनाना है, यदि हाइट नहीं दिया हो तो भी इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ए वुडन पीस इज 4 मीटर इन लेंथ एंड 2 मीटर इज ब्रेथ एंड 5 सेंटीमीटर इज थिकनेस, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो थिकनेस है इसकी, जो मतलब मोटाई है ना, तो वह उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अब इसको जो है हम लोग ठीक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वह 0.05 सेंटीमीटर, जो कि आपके हिंट्स में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 × 2 × 0.05 ऐसे कर लेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब उसको गुना करके जितना आएगा उसको आप देखेंगे, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको हमें समझाना है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अ क्यूबॉइडल द कप बोर्ड has the dimension of 5 meter × 3 meter × 2 meter. A cuboidal shelf has the dimension of 3 meter × 2 meter and 1 meter. What is the difference in their volume? तो क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात है क्वेश्चन नंबर 7 में, कि दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर लेना है 5 meter × 3 meter × 2 meter, है ना, तो याद आ जाएगा 30 मीटर, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 meter × 2 meter × 1 meter। ठीक है, इसका हो जाएगा 6 मीटर, है ना। तो 30 मीटर में से डिफरेंस, मतलब आप लोगों को पता ही है कि डिफरेंस जो है वो अंतर पूछता है, तो दोनों को घटा देंगे तो अंतर जो है पता चल जाएगा, तो रहेगा 24 मीटर का अंतर जो है दोनों का आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, वॉल इज द मेड ऑफ द ब्रिक्स ईच ऑफ द डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी बोल रहा है कि जो ब्रिक्स है ना, उसकी जो है चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई दी हुई है। यदि बोल रहा है कि इफ 300 ब्रिक्स आर यूज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, है ना, जो वॉल्यूम जो होता है वॉल की, है ना, लंबाई चौड़ाई उसकी जो है ऊंचाई कितनी होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है एक तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है सबसे पहले आप जो है ब्रिक्स की डायमेंशन पहले निकाल लेंगे, 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि 300 ब्रिक्स आर द यूज द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, यानी एक ईंटे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी वॉल्यूम जो है यहाँ पे पता चल गया है, तो यहाँ पे 300 ईंटों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी यह पता करने के लिए क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उस वॉल की
जो है वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 10 भी जो है कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने चैप्टर एक्सरसाइज 10 जो है आप अच्छी तरह से समझेंगे और इस वीडियो को देख के जो है चैप्टर को सॉल्व करने का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।